अगली खबर है बिहार के बेगूसराय से। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराने की कोशिश में एक चोर की जान पर बनाई। जैसे ही इस चोर ने स्टेशन छोड़ रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी दूसरे यात्री ने चोर का दूसरा हाथ भी पकड़कर खींच लिया। इस बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और चोर खिड़की से लटक गया। आपको बता दें कि करीब 15 किलोमीटर, जी हाँ 15 किलोमीटर तक यात्रियों ने उसे ऐसे ही लटकाए रखा। ट्रेन के यात्री इस चोर को बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से खगड़िया तक यूं ही लटका कर ले गए। इस बीच ट्रेन चलती रही और चोर लगातार मिन्नत करता रहा कि हाथ टूट जाएगा भैया, नहीं तो मर जाएंगे भैया, लेकिन यात्रियों ने उसे नहीं छोड़ा। बाद में खगड़िया स्टेशन पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। युवक का नाम पंकज कुमार है, वह बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। यात्रियों के मुताबिक जैसे ही ट्रेन बेगूसराय के साहेबपुर कमाल स्टेशन से आगे बढ़ी, वह प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा। उसी दौरान एक यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मदद के लिए आसपास के पैसेंजर्स ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वीडियो में दिख भी रहा है कि युवक कह रहा है कि भैया छोड़ दीजिए, हाथ टूट जाएगा, या फिर जान बचा लीजिए भैया। साहेबपुर कमाल स्टेशन से खगड़िया के बीच की दूरी कुल 15 किलोमीटर है। यात्री चाहते तो चैन पुल करके ट्रेन रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने चोर को सबक सिखाने के लिए खिड़की पर ही लटकाए रखा। इस दौरान कुछ यात्रियों ने इसका वीडियो बना लिया। खगड़िया स्टेशन पर जब ट्रेन पहुंची तो ट्रेन से लटकता युवक देखकर जीआरपी आई और फिर यात्रियों ने चोर को उनके हवाले कर दिया। पकड़ खगड़िया।